हाय, मैं प्रियंका एंड यू वेलकम टू द टेरेस किचन। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ट्रेंडिंग मिल्क ब्रेड की रेसिपी, पर मैं आपके साथ दो टाइप के शेयर करूंगी। दोनों ही मज़ेदार है, एक तो आपको एकदम बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगा क्योंकि इसमें चॉकलेट भी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ब्रेड को टोस्ट करना है, तो उसके लिए 1/2 to 1 teaspoon आप बटर यूज़ करें। मैं सॉल्टेड यानी नमक वाला मक्खन यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा बटर को मेल्ट होने दें, उसके बाद ब्रेड की स्लाइस रखें। इस तरह से रखें कि आप उतने ही बटर में दोनों साइड से अच्छे से आप ब्रेड को टोस्ट कर सकें। ब्रेड को सही से टोस्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे एक अच्छा टेक्स्चर और टेस्ट आएगा। तो दोनों साइड से हल्का गोल्डन होने तक आप ब्रेड को अच्छे से टोस्ट कर लें। एक ब्रेड टोस्ट हो जाने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखें और उसी पैन में आप दूसरा ब्रेड भी टोस्ट कर लें। अलट पलट के ब्रेड को अच्छे से टोस्ट करें और जैसे ही वो हो जाए तो पहली वाली स्लाइस को उसके ऊपर रखें। थोड़ी सी चीनी, लगभग 1 teaspoon यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। अपने टेस्ट के हिसाब से, मतलब जितना आप दूध डाल रहे हैं उसमें आप जितनी चीनी पसंद करेंगे आप उतनी डाल सकते हैं, पर बाद में हम हनी भी यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा चीनी ना डालें। दूध आप ब्रेड के ऊपर डालें, चम्मच से साइड वाला दूध भी आप ब्रेड के ऊपर डाल सकते हैं। 15 से 20 सेकेंड इसे पकाना है जब तक कि ब्रेड अच्छे से सोक ना कर ले। और अपने आप ब्रेड सोक नहीं करेगा तो एक स्पैचुला से या फिर चम्मच से इसे सोक करने में हेल्प करें। फ्लिप करें, शिफ्ट हो जाता है तो वापस से एडजस्ट कर लें। सॉगी लग रहा है, पर सॉगी जैसे आपको दिख रहा है ये बिल्कुल भी ऐसे खराब टेस्ट नहीं करेगा, बहुत ही अच्छा लगता है। हल्का सा इसे पैन में और रहने दें और इमीडिएटली अपनी प्लेट पर स्लाइड करें। नेक्स्ट इसके ऊपर डालेंगे हनी। हनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। अगर आपके पास सीजनल फ्रूट्स है जैसे कि स्ट्रॉबेरी, वो भी बहुत अच्छी लगेगी इसके साथ। अगर मैंगो का सीजन आ जाता है तो मैंगो भी बड़े अच्छे लगेंगे, फ्रेश कटे हुए ठंडे ठंडे मैंगो या फिर स्ट्रॉबेरी। तो गर्मा गर्म इस ब्रेड टोस्ट को आप सर्व करें, बहुत ही बढ़िया लगता है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, ऐसा लगता है अगर आपको यार तो सौगी हो गया अच्छा नहीं लगेगा, तो एक बार एटलीस्ट ट्राई करके देखें। पर इस चीज़ को आप जब बनाएंगे तभी खाएं, इसे स्टोर करके ना रखें। इसलिए जितना चाहिए उतना ही बनाएं और सर्व करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्जन की तरफ। ये है मेरा एकदम ट्विस्ट हॉट चॉकलेट वाला। तो इसे बनाने के लिए हम हॉट चॉकलेट मिक्स बनाएंगे। तो आधा कप दूध यानी लगभग 120 ml एक बोल में लें। उसमें डालें 1 teaspoon चीनी, 1 tablespoon कोको पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले जब तक कि गुठलियाँ ना हो। अगर आपके पास एक विस्क है आप वो यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत जल्दी लम्स निकल जाते हैं। एकदम अच्छा स्मूथ मिक्सचर बना लें। ये हमारे हॉट चॉकलेट का मिक्स रेडी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो प्लेन वाले मिल्क ब्रेड की तरह हमें इसे भी अच्छे से टोस्ट करना है। तो पहले एक ब्रेड की स्लाइस को टोस्ट करें दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक, पलट पलट के। मीडियम फ्लेम पर करें। अगर आपको लग रहा है फ्लेम ज़्यादा हो रही है, ब्रेड जल रहा है टोस्ट होने से पहले, तो आप फ्लेम कम कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से अच्छे से टोस्ट करें और पहली वाली स्लाइस जैसे ही टोस्ट हो जाएगी इसे आप निकाल कर रख दें साइड में। अब थोड़ा सा और बटर आप थोड़ा थोड़ा डालें ताकि ब्रेड के एक ही हिस्से में बहुत ज़्यादा ना चिपक जाए, और दोनों ब्रेड पर आप ज़रूरत से ज़्यादा भी बटर ना लगा लें। तो अच्छे से दोनों ब्रेड की स्लाइसेस टोस्ट हो गई है। अब दूसरी ब्रेड रखने से पहले इस पर मैं डाल रही हूँ चॉकलेट, लगभग 1 tablespoon। चॉकलेट को आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट करें और उसके बाद रखें। इससे क्या होगा, जैसे आप दूसरा ब्रेड रखेंगे तो ब्रेड की जो गर्मी है उससे चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी और बहुत ही बढ़िया आपका ये टोस्ट लगेगा। अब इसमें हम डालेंगे हॉट चॉकलेट मिक्स। साइड से डालें, ब्रेड के ऊपर डालें, और जो साइड में हॉट चॉकलेट मिक्स है उसमें उबाल आने पर चम्मच से उसे आप ब्रेड पर डाल दें। अच्छे से ब्रेड को इसमें सोक हो जाने दें और हल्का सा ब्रेड को कुक करें। ब्रेड सॉगी हो जाएगा तो ज़रा ध्यान रहे। अगर आप इसे पलटना चाहते हैं तो एकदम हल्के से पलट सकते हैं, 2 spatula यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसे आप डायरेक्ट स्लाइड करें अपनी प्लेट पर और ऊपर से आप थोड़े से चोको चिप से इसे सर्व कर सकते, गार्निश कर सकते हैं। इसे भी आप गर्मा गर्म परोसे, जो चोको चिप्स है या फिर अगर आपने चॉकलेट के टुकड़े डाले हैं छोटे छोटे ऊपर से, वो तुरंत मेल्ट हो जाएंगे जो ब्रेड की गर्मी है उससे। गर्मा गर्म इसे परोसे आप, हॉट चॉकलेट बटर एंड चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो दोनों ही इस तरह के मिल्क ब्रेड है कि आप ब्रेकफास्ट में या फिर जब आपका मन चाहे या फिर डिज़र्ट खाने का मन कर रहा है तब भी बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक करें इस रेसिपी को ट्राई एंड एन्जॉय।